हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी 5 मिनट में तैयार होने वाली कच्चे आम की खट्टी और चटपटी चटनी, जिसको आप फ्रिज में रख के 15 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। इसके लिए मैंने 2 कैरी ले ली है मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया। और ये मेरे पास अचार का मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही आपसे अचार वाले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज इसी का यूज़ करके बनाएंगे हम चटनी। ये मैंने बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है, जिसमें हींग का तड़का दे रही हूँ, और फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम इसमें कद्दूकस की हुई कैरी डाल लेंगे और एक बार इसे पूरे ऑयल से कोट कर लेंगे। ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम रखें, वरना कैरी सारी नीचे चिपक जाएगी। और अब मैं इसमें अचार का मसाला डाल रही हूँ। ये पहले मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला था, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून बाद में और मिलाया, तो टोटल मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अचार का मसाला मिलाया है। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, इस पर ऑयल सेपरेट होने लगा है थोड़ी सी देर में, तो बस हमें इतना ही भूनना है इसे। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो अब इसको हम ठंडा करके एक एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में ये 15-20 दिनों तक ख़राब नहीं होगी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो बस आप भी फटाफट इस चटनी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।